बिल्कुल देखो साफ कर दिया गया है कि इत्थे ही बैठे रहेंगे, इत्थे ही बैठे रहेंगे जी जी बिल्कुल। तुहाडे सामने तस्वीर ने जी, किसान आगू गलबात कर रहे ने, पुलिस दे नाल पुलिस अधिकारियों ने गलबात कर रहे ने, सुना दिंदे की कह रहे ने दिल्ली वाले ने सबर पर लिया, एक किसान बैठे सी इत्थे ही बैठा असि भी ताडे चो असि कड़े पारो आए साडे विचों उहना उहना नु कोई गल साडे साडे साहब नाल गल करने फेर गल होनी है हटे जाओ बैठो भी बैठो रहे भाई कोई लंग गैस्ट इत्थे बैठो बैठो इत्थे गलबात बेशक की जा रही है पर साफ कर दिता गया बलवीर सिंह राजेवाल होनी अपने साथियों नू दरवाजे ते किसान भवन के गेट ते बिठाने की कोशिश कर रहे ने कि इत्थे बैठ जाया जावे ताकि सरकार तक सुनेहा जिहड़ा वह लाया जावे। तां किसान आगू रिक्की बराड़ होनी साडे नाल ने, रिक्की बराड़ नाल गल कर रहे हैं कि आखिर ऐलान कर दिता गया साफ तौर पर जी राजेवाल साहब ने, कहते हैं कि कुछ भी हो जाए इतने बैठे रहेंगे। बिल्कुल नपिंदर देखो असी प्रशासन नू बड़े चिर दा कह रहे सीगे भी सानू सीएम साहब दा जिहड़ा रेजिडेंस है उहदे बाहर असी धरना लाउणा, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। पहला साडे साथियों नू रोकिया रस्तियां दे विच, उदू बाद की हुंदा भी असी मार्च पीसफुल प्रोटेस्ट करन जा रहे सीगे, सानू रोकिया गया ते हुण देखो गेट ला के किन्नी फोर्स ला दित्ती है। सो साडा इह अगला फैसला इह वी जिन्ना चिर खरीद शुरू नहीं हुंदी, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं हुंदी, उन्ना चिर असी इत्थे धरना दे के बैठांगे। कदों तक बैठे रहोगे जी इत्थे किसान भवन दे अंदर? जिन्ना चिर भी जिन्ना चिर प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं हुंदी, सारा मसला हल नहीं हुंदा, असीं इत्थे रहांगे। धरना स्थान तुहाडा इही बन जूगा? बिल्कुल धरना स्थान साडा इही है, सानू अगे जान नहीं दे रहे, असीं कोई भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं करदे साडे संविधान दे विच। तां साफ कर दिता है जी कि इत्थे ही बैठे रहणगे। हरिंदर सिंह लखोवाल कुछ बोल रहे ने, जंगवीर चौहान ने चौहान साहब यह प्रदर्शन किस तरह कदों तक चलता रहेगा? जिस तरह हुण ऐलान कर दिता गया है कि इत्थे ही रुके बैठोगे तुसीं बैरीकेड तोड़न की कोशिश, चौहान साहब तुहाडे साथी इधर बैरीकेड तो अगे जाने की कोशिश भी कर रहे ने। देखो असी अज सीएम दी कोठी ते मोहरे धरना लाउणा सीगा, सो साडे किसान भवन दे मोहरे ही जिहड़े बैरीकेड लगा दिते, बड़ी मंदभागी गल है। सरकार नू चाहीदा सी कि इहदे बैरीकेड ना लाउंदे, बैरीकेड पर हुणे ऐलान होया सी कि अंदर ही बैठोगे पर बैरीकेड भी तोड़े। बिल्कुल बिल्कुल किहा सी जी इहनां नू अंदर ही बैठांगे, असी इहनां नाल गलबात करदे। ओ किसान वीरो बैठो एक मिनट यार, बैरीकेड तोड़ के अगे वधन की कोशिश की जा रही है जी कुछ किसानों के वालों, पर बलवीर सिंह राजेवाल ते उन्हां दे होर साथी गेट ते ही रोकन की कोशिश करते हुए कि इत्थे ही बैठा जाए। खैर स्थिति किते ना किते दो पासी हो गई, एक पासे किसान आगुआ का ऐलान कि इत्थे ही बैठना, पर दूजे पासे कुछ किसान आगुआ ने बैरीकेड तोड़न की कोशिश की। लखवाल साहब नाले कह रहे थे कि इत्थे बैठना, हुण बैरीकेड तोड़न की कोशिश हो रही है। असीं बाहर जाना चाहुंदे, साडे बंदे नूं लैके आउण, असीं बैठण नूं तैयार हां, साडे बंदे नूं इत्थे लै आउण, असीं बैठण लई तैयार हां। असीं तां सीएम दे घर नूं चले हां, असीं कहिड़ा कुछ तोड़न चले हां। बैरीकेड तोड़ के अगे जा सकदे हो? नहीं, असीं कोशिश कर रहे हां, इहनां नूं कह रहे हां साडे बैरीकेड हटा दो, असीं जाणा। हले स्थिति अजिही है कि एक पासे किसान कहिंदे ने कि असीं इत्थे बैठदे हां, पर नाले वी कह रहे ने कि असीं अगे जाणा है, साडे साथियों नूं रिहा कीता जावे। तां इह स्थिति है जी किसान भवन दे गेट दी। किसान भवन ते किसानां दा धरना शुरू हो गया, हालांकि हले जोर जमाइश चल रही है, किसान वड्डी गिणती बैठ गए। तुहानूं पूरी स्थिति पूरी तस्वीर दिखा दिंदे इक वार कि पूरी तस्वीर की है। मेरे साथी विनोद पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं तुहानूं इस वेले किसान भवन की। असीं इस वेले मेन गेट ते खड़े हां, तुहानूं पूरी तस्वीर दिखाउणे आ, तां इह इक नज़र मार लो। एक किसान भवन दा वेड़ा कह लो, इत्थे एक किसान बैठ गए ने, एक दरवाजा पूरी तरह बंद है, यह तस्वीर दिखाने हैं, एक गेट पूरी तरह बंद है, पर दूजा गेट है जिहड़ा वह खोल लिया गया,
दूजे गेट तो किसान बाहर जाने की कोशिश कर रहे ने, अगे वधने की कोशिश कर रहे ने। तो तस्वीर भली भां तुसी समझ गए होवोगे, वड़ो दूरी दिखाने की कोशिश करो। तो यह तस्वीर तुहाडे सामने कि किस तरह के हालात ने, की तस्वीर बलवीर सिंह राजेवाल अगे हुए ने, ताकि किसानां नूं समझाया जाए, इत्थे ही प्रदर्शन जिहड़ा हैगा कीता जाए। तो अंदर ही धरना शुरू हो गया जी, और साफ कर दिता गया है कि जिन्नी देर भी अगे नहीं जान दिता जाएगा, जिन्नी देर भी कहिंदे ने कि इन्हां दे साथी किसानां नूं रिहा नहीं किया जाएगा, उन्नी देर तक एक किसान इत्थे इसे तरह डटे रहणगे, ये प्रदर्शन जिहड़ा इसे तरह जारी रहेगा। तो यह किसान भवन दीआं तस्वीरां ने। रमिंदर पटियाल साडे नाले, रमिंदर जी स्थिति ऐसी बन गई, नाले कह रहे सी कि अंदर बैठना पर इधरों गेट तोड़ने की कोशिश भी हो रही है, बैरीकेड। देखो प्रशासन ने यह पासे करके इधरला रस्ता असीं अपनी जनता नूं बिठा लिया, इत्थे ही मोर्चा चलूगा, थोड़े सामने आ सारे आगू, मैं भी मीडिया नूं सारिआं नूं अपील है इत्थे ही धरना लावांगे, सारे बैठ गए ने पीसफुल। अच्छा कोई सुनेहा आया सरकार वालों, गलबात कह रहे सी हो रही है, हाले साडी मंग यह है कि साडे साथी रिहा किते जान, जिहड़े फड़े होए ने उन्हां नूं उरे आउण दित्ता जावे, अगली रणनीति उस तों बाद ऐलान करां। तां लो जी कहिंदे ने कि पहली साडी मंग है कि जिहड़े साथी हिरासत विच लै गए ने उन्हां नूं रिहा किता जावे, उस तों बाद अग्गे दी रणनीति तैयार कीती जाऊगी। फिलहाल यह धरना इत्थे ही ला दिता गया, और किसान आगुआं ने अपील भी कर दी है कि जेडे बाकी किसान ने जे गेट तो बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे ने, तो गां ना वधण अगे ना वधण, इत्थे ही रोकिया जावे, इत्थे ही रोकने की कोशिश, ताकि इत्थे बैठ के प्रदर्शन जिहड़ा ओ जारी रहे। हरमीत सिंह कादिया मौजूद ने, हरमीत सिंह कादिया होरां गल करन, कादिया साहब हुण असल तस्वीर की है, क्योंकि अगे वधण की कोशिश भी की जा रही, थोड़ा अगे आ जाओ, अगे वधण की कोशिश भी हो रही है, कहिंदे ने कि पहला साथी रिहा करो, हुण इत्थे बैठोगे जां अगे वधोगे। देखो हुण जिथे उन्होंने बिठाता ही बैठ गए पक्के, हुण जद तक खरीद शुरू नहीं हुंदी इत्थे बैठे रहांगे, जद तक साडे मुंडे छड्डे ने एयरपोर्ट रोड ते, जिहड़े साथी बुरजगल जी बैठे ने, धनेर जी साडे मैक्स हॉस्पिटल दे बाहर रखे होए ने, ते रोलदू जी नूं साडे थाने लैके गए होए ने, जद तक उन्हां नूं असीं छड्ड के इत्थे पहुंचाउंदे नहीं, जब तक असीं ना तां इह मोर्चा छड्डीए ना इह उपर जाइए, शांतमई रखांगे, जिहड़ा सानूं साबित करने की कोशिश करदे वी इह भड़काऊ भाषण दिंदे जां उह तां करदे, असीं बिल्कुल शांतमई तरीके नाल उन्होंने कहना आए हां, अनुशासन दे विच आ, पर जिहड़ी सरकार हुण हरकत कर रही है, जिहड़ी यूटी प्रशासन हरकत कर रहा वो बिल्कुल ही नॉन डेमोक्रेटिक है। चलो जे उन्होंने तुहाडे साथियों नूं रिहा करके इत्थे ले आउंदे ने, फिर उस तों बाद अगे दा एक्शन की होगा, फिर तुसीं उठ खड़ोगे जां फिर अगे दी रूपरेखा तैयार होनी? साडा 14 तरीक जिहड़ा प्रोग्राम आ उह जद तक असीं खरीद शुरू नहीं होंगी, प्रॉपर वे नाल लिफ्टिंग शुरू नहीं होंगी, जब तक असीं सीएम साहब दे उत्थे धरना लावांगे घर सामने, क्योंकि उन्हां दा बयान सी वी सड़कां रोको, रेलां ना रोको, जदों कोई तुहानूं धरना लाउण दी गल आ मेरा दरवाजा आ जाओ, उन्हां दे दरवाजे आए आ अपने दरवाजे तक पहुंचण नहीं दे रहे। अच्छा एक स्पष्ट जी कर दो तस्वीर कि इह स्थिति फिर कदों तक बनी रहेगी? हुण जद तक साडे लिफ्टिंग नहीं होंगी, परचेज नहीं प्रॉपर चलती, पहली बार हिस्ट्री च होया सियाड तों लैके परचेज हो रही है, एक दो दिन लेट हो जाती है, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਈਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, 25-24 ਤਰੀਕ ਸਪਟੰਬਰ ਵੀ ਪਰਚੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, 18 ਤਰੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜੇ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, 45,000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਜੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਲਰ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਟੋਕਨ ਕੱਟੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DSP ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਪਤਾ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਾ, SKM ਹਮੇਸ਼ਾ 32 ਦੇ 32 ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ 32 ਦੇ 32 ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਰਜਗਲ ਜੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਨਾ ਅਰਜੀ ਭਾਅ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਲਦੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ SKM ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ 32 ਦੇ 32 ਜਾਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ 32 ਦੇ 32 ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ।